रोज पिंक लहंगे में सिड की दुल्हनिया बनी कियारा। ब्राइडल लुक को यू दिया मिसेज मल्होत्रा ने मॉडर्न टच। तो डायमंड के हार और मांग टीका ने कर लिया अटेंशन ग्रैब। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी अब मिस से मिसेज बन चुकी हैं। बीती शाम 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिड कियारा का शुभ विवाह हुआ है। सिद्धार्थ संग साथ फेरे लेकर कियारा शादी के पवित्र बंधन में बंध गई हैं। खुद अपनी वेडिंग की फर्स्ट पिक्चर्स इस न्यूली वेड कपल ने ही शेयर की। तो सिड की दुल्हनिया ने अपनी शादी के खास दिन पर ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न ब्राइडल लुक से भी सबकी निगाहें अपने ऊपर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, रेड व्हाइट गोल्डन सब रंगों को छोड़कर कियारा ने अपनी शादी के जोड़े के लिए चुना था गुलाबी रंग। कियारा को पिंक लहंगे में सजा देख ऐसा लग रहा था कि मानो हवा में भी गुलाबी रंग फैल गया हो। आखिर कियारा के इस लहंगे को डिजाइन भी तो बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने ही किया था। कियारा के एम्प्रेस रोज लहंगे में बारीक कढ़ाई भी की गई थी। गोल्डन और सिल्वर रंग के क्रिस्टल्स भी उनके लहंगे में बुने गए। लहंगे के साथ कियारा ने मैचिंग हेवी एम्बेलिश चोली और शाइन दुपट्टा ओढ़ रखा था। तो इस सॉफ्ट पिंक लहंगे के साथ उन्होंने बस माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। न्यूड लिप्स उन्हें नेचुरल लुक दे रहे थे। कियारा ने शादी के दिन भी नो मेकअप लुक फ्लॉन्ट किया। कियारा ने साथ ही बालों का बन बनाया हुआ था, जिसके साथ उन्होंने गुलाब के फूल भी लगाए थे। वहीं सबसे ज्यादा ध्यान तो कियारा के गले में इस दो लेयर डायमंड नेकलेस ने खींचा। अपने ब्राइडल लुक को कियारा ने मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन से रेयर जाम्बियन एमराल्ड ग्रीन स्टोन स्टडेड डायमंड नेकलेस के साथ पूरा किया था। इसके साथ उन्होंने मैचिंग झुमके और मांग टीका भी पहना था। कियारा ने हाथों में भी पिंक चूड़ा पहना हुआ था, जो काफी सॉफ्ट और सल्ट्री लग रहा था। इसके साथ उन्होंने डायमंड का ही हाथ फूल भी पहना था। कियारा ने ऑथेंटिक कलीरों को छोड़ कस्टमाइज्ड कलीरे को चुना। उनके कलीरों में सितारे और नाम के ट्रिंकेट्स थे। इसके अलावा कियारा अपनी डायमंड एंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट करती नजर आई। कहना गलत नहीं है कि कियारा के ब्राइडल लुक में ट्रेडिशनल के साथ ही मॉडर्न टच भी खूब अच्छे से देखने को मिला। तो दूसरी ओर कियारा के दुल्हे सिद्धार्थ ने भी मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन से मेटालिक गोल्ड कलर की शेरवानी चुनी थी। सिड ने अपने लुक को मनीष मल्होत्रा पोल की ज्वेलरी रानी वाला 1881 के साथ पूरा किया था, जिसमें बेहद महीन अनकट डायमंड जुड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने गोल्डन पगड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ ही उन्होंने एक डायमंड ब्रॉच भी पहना था। ऐसे में इस जोड़ी को साथ में देख के कहना तो बनता ही है कि दोनों साथ में बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कपल लग रहा था। आपको बता दें कि शादी के बाद बीती रात ही कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम हैंडल से अलग अलग पोस्ट में अपनी ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी की पहली तस्वीरें शेयर की। जैसलमेर में शाही शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की शादी का जश्न दो रिसेप्शन के साथ मनाया जाएगा, जो एक दिल्ली में और दूसरा मुंबई में होस्ट होगा। रिपोर्ट की माने तो ये न्यूली वेड जोड़ी जैसलमेर से सीधे दिल्ली आएगी और सीधे सिद्धार्थ के दिल्ली वाले घर के लिए रवाना होंगे। 9 फरवरी को दिल्ली में रिसेप्शन होगा तो 10 फरवरी को सिड कियारा मुंबई वापस आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।